हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम ऐसा नया कुछ सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, वी हैव डिस्कस द प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑल्सो। सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टाइप ऑफ फ्रैक्शन दैट इज सेड टू बी लाइक एंड अनलाइक। बच्चों, इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो देन गो टू द प्लेलिस्ट एंड प्लीज watch the previous video, because there are so many things related to fraction which we have already discussed. It means proper fraction, improper fraction, mixed fraction, how to change mixed fraction into improper fraction, how to change improper into mixed fraction, when the given fraction is improper, when it is proper, what is the value of proper, means when it is more than one, when the fraction is less than one, what is the major difference between fraction and rational numbers also. So these things we have discussed in previous video. So in today's class we are going to discuss the type, next type. It is said to be like fractions. Okay, so write the next heading, like fractions. Okay, so first of all, like fractions, before starting like fraction, I hope that you all know what is numerator and what is denominator. Okay, I know you know very well. The upper part is said to be numerator. It is said to be what? Numerator. Okay, and this B is said to be denominator, right? Denominator. तो दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू दीज थिंग्स, मीन्स अगर आपको न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर पता है कि किसको न्यूमिरेटर कहते हैं किसको डिनोमिनेटर कहते हैं, तो आपको सारे डेफिनेशन सारे टाइप्स बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको बस ध्यान से सुनना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फ्रैक्शन, लाइक मीन्स डू यू नो, लाइक मीन्स सिमिलर। ठीक है, सिमिलर मीन्स उसी के जैसा। जैसे मैं कहूँ ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, वट एवर द पॉलीगॉन्स, तो ये सब लाइक हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, पॉलीगॉन से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये सर्कल अनलाइक है, इन सब में ऑड है। तो लाइक इन द सेंस जो सिमिलरिटी शो करे। अभी मैं सारा ट्रायंगल बना दूं, एक रेक्टेंगल बना दूं, तो ऑल ट्रायंगल्स आर लाइक। ठीक है, तो सभी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, लाइक हो जाएंगे। तो डेफिनेशन स्टार्ट यहां से करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस आर द दोज कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एक बात बेटा समझ लो, प्रॉपर इंप्रॉपर के लिए एक फ्रैक्शन होगा, बता सकते हो कि प्रॉपर है कि इंप्रॉपर है। लेकिन लाइक अनलाइक के लिए क्या होना चाहिए, लाइक या अनलाइक बताने के लिए एटलीस्ट टू फ्रैक्शन शुड बी देयर। अगर दो फ्रैक्शन नहीं है, यू कांट से अबाउट लाइक एंड अनलाइक। अगर एक सिंगल फ्रैक्शन दिया गया, आप प्रॉपर इंप्रॉपर बता लोगे, लेकिन लाइक अनलाइक नहीं बता पाओगे, क्योंकि फॉर लाइक अनलाइक एटलीस्ट टू फ्रैक्शन शुड बी देयर। बिकॉज लाइक कंपेरिजन करा रहे हो, एक जैसा है कि नहीं, अकेला है तो कैसे बताओगे उसके जैसा कोई और है कि नहीं। ओके, तो जैसे मार्कर हम लेते हैं, अभी देखो ये सिमिलरिटी हो रही ना, सिमिलरिटी। अभी थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, देखो ध्यान से, अभी क्या सिमिलरिटी है, नहीं, इसका व्हाइट पार्ट यहाँ कैप ब्लैक, यहाँ भी व्हाइट ब्लैक, लेकिन यहाँ देखो व्हाइट एंड व्हाइट, सिमिलरिटी दिखी नहीं। अब मैं अकेला इसको दिखाऊँ, पूछूँ सिमिलर है क्या, सिमिलर तो किससे कंपेरिजन कराओगे, कंपैरिजन कराने के लिए एटलीस्ट टू होने चाहिए। तो यहां जो लाइक और अनलाइक होता है ना, लाइक और अनलाइक कंपैरिजन हो रहा है, दो फ्रैक्शन में कंपैरिजन हो रहा है, दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, दस हो सकता है, पंद्रह हो सकता है। तो हमेशा क्या समझो, प्रॉपर इंप्रॉपर ओनली डिपेंड्स न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। वहां डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर को कंपैरिजन करा रहे हैं, न्यूमिरेटर इज मोर देन, डिनोमिनेटर इज मोर देन, मीन्स कंपैरिजन करा दे कौन सा लेस है कौन सा मोर है। तो हमने दो टाइप बनाए, प्रॉपर और इंप्रॉपर। यहां जो लाइक अनलाइक है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। फॉर लाइक एंड अनलाइक देयर शुड बी एटलीस्ट टू फ्रैक्शन। कंपैरिजन कराने के लिए क्या चाहिए, कम से कम दो फ्रैक्शन होने चाहिए, कम से कम दो। मैं क्या बोल रहा हूं, कम से कम दो, मोर देन टू इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर दो से ज्यादा है तो क्या, तब भी बता सकते हो लाइक अनलाइक है। लेकिन अगर कहें अकेला फ्रैक्शन है, बाबू बताओ लाइक है कि अनलाइक है, तो आप कभी नहीं बता सकते। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक हमेशा किस में बताया जाएगा, ग्रुप में बताया जाएगा। मोर देन टू होगा तब, मोर देन वन तो नेसेसरी है। अगर सिंगल फ्रैक्शन है तो बच्चों कोई नहीं बता सकता लाइक है कि अनलाइक है। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन क्या है, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन समझो, टू और मोर देन टू, ठीक है, टू और मोर देन टू
fractions, fractions are said to be like fractions. कब कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस? इफ दे ऑल हैव सेम डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर कैरी करो यहां से. डिनोमिनेटर क्या होता है माइंड में सेट करो. डिनोमिनेटर ठीक है, सेम डिनोमिनेटर राइट. तो डेफिनेशन इज वेरी इजी. टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी लाइक फ्रैक्शन इफ दे ऑल हैव द सेम डिनोमिनेटर. बच्चों एक बात समझ लो, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन दिखा तो सिर्फ चेक करो किसको चेक करना है, डिनोमिनेटर को चेक करना है. डिनोमिनेटर चेक करिए, इफ दे ऑल हैव सेम डिनोमिनेटर, अगर सबके पास इक्वल डिनोमिनेटर मीन सेम डिनोमिनेटर है तो क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन. टू और मोर फ्रैक्शन, मोर देन टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी लाइक फ्रैक्शंस इफ दे ऑल हैव सेम डिनोमिनेटर. कैन यू गेस द एग्जांपल? अभी आपको समझ में आ गया. अगर मैं 2/3 पूछूं लाइक है क्या, तो आप पूछेंगे सर क्या क्वेश्चन पूछ दिए, है ना, कितना अजीब क्वेश्चन है. क्योंकि एक फ्रैक्शन में कैसे कोई बता सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर को कंपेरिजन करा, या तो अकेला बेचारा डिनोमिनेटर 3 है, किससे कंपेरिजन करा, इक्वल है कि नहीं. अगर अभी मैं इसके बगल में लिख दूं कि बेटा 1/3 ये दोनों लाइक है कि नहीं, तो अभी आप चेक कर सकते हैं. यस सर. क्यों? क्योंकि दोनों में लाइक चेक करना है. लाइक के लिए हमको क्या पिक करना है, डिनोमिनेटर. चेक बोथ है द सेम डिनोमिनेटर और नॉट. इफ बोथ है द सेम डिनोमिनेटर बोलेंगे यस दे आर लाइक फ्रैक्शन. अगर हम यहां पर लिख दें 1/7, अभी कंपेरिजन को क्या तीनों लाइक है? नो, ये दोनों तो लाइक दिख रहे हैं लेकिन ये लाइक नहीं. तो अगर हम इसको इरेज करा, पूछे क्या दीज टू आर लाइक, तो बोलेंगे नो लाइक नहीं है. लाइक नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनलाइक. तो लाइक फ्रैक्शन के लिए ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस होता है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, मोर देन 1 एक्सेस. हाँ 10 है, 20 है, 30, उससे ज्यादा कोई भी होगा लाइक कहा जा सकता है. तो पहला देख लो, पहला एग्जांपल देखते हैं. 2/3, 1/3, 7/3 एटसेट्रा, दीज आर लाइक. दूसरा देखो 10/2, 1/2, 15/2. बच्चों एक बात मुझे बताओ, यहां क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है प्रॉपर इंप्रॉपर का? कोई रिस्ट्रिक्शन है प्रॉपर इंप्रॉपर का? तो क्लियर आंसर है कि नो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रॉपर एंड इंप्रॉपर. यहां प्रॉपर भी हो सकता है, इंप्रॉपर भी हो सकता है. आपको सिर्फ चेक ए करना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं. इफ टू आर मोर देन टू फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, सेम इन द सेंस न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर सेम होना चाहिए, तो दैट फ्रैक्शन इज सेड टू बी लाइक फ्रैक्शन. डेफिनेशन एक बार बता रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लग रहा है, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए. क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम लाइक फ्रैक्शन का यूज सीखेंगे, क्योंकि आगे अभी इसी चैप्टर में व्हेन वी स्टार्ट द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, देन वी मूव टू दिस थिंग लाइक फ्रैक्शन. तो दिस थिंग शुड बी क्लियर. एंड यस वी विल डिस्कस ऑल्सो हाउ टू चेंज अनलाइक इनटू लाइक. अनलाइक को लाइक में चेंज किया जा सकता है क्या? प्रॉपर को इम्प्रॉपर में किया जा सकता है क्या? कमेंट सेक्शन में लिखना क्या प्रॉपर को इम्प्रॉपर में कर सकते हैं, चेक करके बताना, एक दो एग्जांपल लेना. लेकिन एक बात तो श्योर, लाइक को अनलाइक को लाइक में चेंज किया जा सकता है, डोंट वरी, वो भी किया जाएगा. तो अभी डेफिनेशन इज क्लियर. बच्चों एक बार मुझे चेक करने दो, क्या स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ यस इट इज विजिबल. तो आई होप दैट द डेफिनेशन इज वेरी क्लियर. Like fractions, two or more fractions are said to be like if they all have the same denominator. ठीक है, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है बेटा? तो दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं अभी. अगर बात समझ में आ गई तो दूसरा डेफिनेशन लिखा जाए. दूसरा डेफिनेशन इट इज वेरी इजी. एंड यस अभी बच्चों आप समझ गए होंगे कि सर कहना क्या चाहते हैं. अगर हम अनलाइक की बात करेंगे तो अनलाइक के लिए बहुत ही सिंपल है. लाइक मीन्स हैव द सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक मीन्स दे ऑल हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर. बिल्कुल यही हो सकता है. लाइक का अपोजिट मीन्स क्या हुआ? यहां पर हमने किसको इंपॉर्टेंस दी है, किसके बेस पे हमने डेफिनेशन बनाया है? सेम डिनोमिनेटर के बेस पे. अगर डिनोमिनेटर सेम है लाइक, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ, डिनोमिनेटर सेम अलग अलग नहीं है, तो फिर क्या बोल जाएंगे? अलग है, लाइक नहीं है, मीन्स अनलाइक हो जाएगा. तो अगर एक डेफिनेशन क्लियर है तो दूसरा तो अपने आप क्लियर हो गया. ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग का काम है लिखना, नोट्स में होना चाहिए. क्यों? क्योंकि भाई जब आप लिखे रहेंगे तो आप अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे. अनलाइक
फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है. सेम डेफिनेशन, टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस. यहां पर भी कितना होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए. टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी बोथ आर नेचुरल नंबर. बच्चों नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर अगर नहीं जानते तो पहली वीडियो देख लेना, नेचुरल नंबर होल नंबर सब बताया गया, पूरी फैमिली बताई गई नंबर सिस्टम की. टू आर मोर देन टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी, आर सेड टू बी वॉट अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक कब कहेंगे भाई, अनलाइक फ्रैक्शन वेन वेन they have what different denominators. ठीक है, two or more than two fractions are said to be unlike if they all have different denominators. एक बात समझ लो, denominators are same then it is said to be like, denominators are different it is said to be unlike. Okay, so definition is clear. Like write one example from my side and try to write one more example from your side. Okay, 1/3, 2/7, these are what unlike. दो में ही पता चल गया, आगे क्या लिखना. तो ये क्या है भाई, ये सब unlike हो गए. For checking like or unlike what you will do, you will check only the denominator. If denominators are equal, then the fraction is like. If denominators are different, denominators are different, then the fraction is said to be unlike. It is clear? Denominators are same, fraction is like. Denominators are different, fraction is unlike. बिल्कुल एक बात, ठीक है. इस बात को हम लोग एक remark में रखते हैं भाई, एक साथ सारी बातें clear हो जाए, ठीक है. Remark में कैसे याद करिएगा, ठीक है. हाँ बेटा समझ रहे हैं, बोर्ड विजिबल है, ठीक है. एक बात बता रहे हैं बच्चों, देखो अगर आप चैनल पे न्यू हो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और बेटरमेंट के लिए बस आप शेयर करते जाइए, ठीक है. तो बस अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही है, अगर नहीं ईजी समझ में आएगी, नहीं एक्सेप्टेबल है, समझ में आ रहा है, तो भाई उत्थान बैच का तो पर्पज़ यही है ना कि आपको समझा के रखा जाए. समझाने का ही काम है यहाँ, मेथोलॉजी पे हम समझा ही रहे हैं. तो ज़रूर अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि बेटरमेंट आपसे ही शुरू होगा, ठीक है. अभी एक रिमार्क देखो, रिमार्क भाई बिल्कुल ईजी रिमार्क है. दोनों डेफिनेशन नहीं समझे कोई बात नहीं, रिमार्क देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है. ऐसे बना लो, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर्स. नेम बता दो, लाइक फ्रैक्शन. क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन. डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तीन सेम है, चौथा डिफरेंट हो गया तब भी सब अनलाइक हो गया ना. तीन को लाइक बोलेंगे, चौथा अनलाइक. डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. बहू नाम बता दो तुरंत, डिनोमिनेटर्स. हाँ भाई डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा कि नहीं, अनलाइक फ्रैक्शन. ये क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन. अब बात ये आती है कि क्या इट इज पॉसिबल टू चेंज लाइक इनटू अनलाइक. तो क्या ये पॉसिबल है कि लाइक फ्रैक्शन, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में चेंज किया जा सके. तो यस इट इज पॉसिबल. वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड फॉर चेंजिंग लाइक इनटू अनलाइक फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर बेस्ड थियरी है पूरी. डिनोमिनेटर सेम हुआ, हाँ सर डिनोमिनेटर सेम है. डिनोमिनेटर सेम हुआ भी तो तुरंत बोल दो कि कोई भी नाइंसाफी नहीं करना, लाइक होगा. डिनोमिनेटर सेम हुआ सर, लाइक हो गया. डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ, क्या बोलेंगे, लाइक नहीं हुआ, ठीक है. अभी थोड़ा बोर्ड क्लीन कर दे, अभी हमको बहुत क्लियर नहीं लग रहा है, ठीक है भाई. हाँ देखो ये क्या होता है ना, सबका अपना रोल होता है भाई. देखिए अब इनका काम क्या है, ये अच्छे से क्लीन कर रहे हैं. इसके पहले जो लिए थे वो क्लीन नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे इसको, हाँ उसको पूरा फैला दे रहे थे यहाँ वहाँ. तो चलो अभी ठीक है, ठीक है बेटा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बीच में बता दे रहा हूँ, ये सब भी देखते रहो.
ठीक है चले। तो अभी क्या होता है, हाउ टू चेंज अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो लाइक में कैसे चेंज किया जाएगा। तो लाइक में चेंज करने से पहले बस एक बात मुझे पूछना है, एलसीएम पता है कि नहीं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पता है कि नहीं। अच्छा बच्चों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी जानते हो? दिस इज अ कॉमन मल्टीपल, विच वन इज लोवेस्ट कॉमन। कॉमन मीन्स सपोज आई एम आस्किंग फाइंड आउट कॉमन पार्ट, सो फॉर फाइंडिंग कॉमन पार्ट एटलीस्ट टू डिफरेंट थिंग्स शुड बी देयर। इफ देयर आर टू थिंग्स देन यू कैन इजिली फाइंड द कॉमन और नॉट कॉमन पार्ट्स। बट सपोज देयर इज ओनली वन थिंग, वन ऑब्जेक्ट, वन गिवन आइटम इज देयर, देन हाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड कॉमन पार्ट। तो बच्चों कभी कभी मैंने देखा है बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, तो बच्चों कैसे करते हैं 2 6 12 2 3, अरे एक क्या एलसीएम कर रहे हो? कहते हैं एलसीएम नहीं, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या कहते हैं? ए प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम नहीं होता। एलसीएम इज द लोवेस्ट कॉमन, कॉमन फॉर फाइंडिंग कॉमन, दो होना चाहिए। अभी मैं 12 और 15 का पूछूंगा तब ऐसे करना, ठीक है समझ रहे हो? तो एलसीएम के लिए कम से कम दो नंबर होने चाहिए, और ये जो मेथड हम बता रहे हैं इसके लिए आपको एलसीएम पता होना चाहिए। ओके, सो आई एम रिकमेंडिंग टू यू, इफ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द एलसीएम तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके एलसीएम सीख लो, ठीक है। किसी को नहीं पता चलेगा कि क्लास 7th में आ गए हैं, भैया हैं, दीदी हैं, इनको एलसीएम नहीं आता, चुपके से सीख लेना। अगर किसी को पता चल गया कि एलसीएम नहीं आ रहा है अभी, तो भाई समझ लो भाई क्लास 7th के बच्चे हैं, एलसीएम नहीं कर पा रहे, तो चुपचाप सीखना, चुपके से देख लेना कहीं से, ठीक है। हालांकि प्रीवियस वीडियो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं इन सबसे रिलेटेड, तो वहां से भी समझ सकते हो या फिर अपने बुक को फॉलो करिए। बेटरमेंट के लिए हमेशा देखिए बेटा, शर्माइए, झिझक नहीं रखिए, जब भी आपको कुछ अच्छा सीखना है प्रयास करते रहिए, क्योंकि आज अगर आप सीखने से चूक जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़े हासिल होने वाले सफलता को खुद से नकार दे रहे हैं, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, आज आप रास्ता थोड़ा सा बदलेंगे तो बहुत समय बाद देखिएगा आपका रास्ता बहुत बदल जाएगा। ये दो चीज़ें साथ में चलेंगी ना, ऐसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो आज का थोड़ा सा परिवर्तन कल बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाएगा। तो बेटरमेंट के लिए ना चेंज एक्सेप्ट करो, हमेशा बेटरमेंट के लिए अपने आप को सुधारने के लिए ना बदलाव से डरो नहीं। खुद को सुधारना है तो बदलाव करो, ठीक है। बेटर करने के लिए चेंज करो, चेंज मतलब अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, अगर कोई बदलाव करके आप 3 घंटे पढ़ सकते हो तो बेटर करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है। टेबल पे बैठ के पढ़ो, बेड पे छोड़ो भाई पढ़ना, टेबल पे बैठ के पढ़ो, चेयर पे बैठ के पढ़ो, मतलब अच्छा करोगे तो आप चेंज को भूल भी जाओगे। नहीं होता है कभी प्लेस को चेंज करने से बच्चे झिझकते हैं, नहीं हॉस्टल में जा रहे हैं तो नहीं, बेटरमेंट के लिए आप चेंज कर सकते हो, इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, बट बेटरमेंट के लिए। चलिए मैं कुछ स्टेप बताऊंगा। स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम। एलसीएम डू यू नो? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच डिनोमिनेटर्स। जितने डिनोमिनेटर्स हैं उन सब का क्या निकाल दो। स्टेप 2, फिर क्या करो? नाउ मल्टीप्लाई ईच फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, क्योंकि एक रूल आपने पढ़ा है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय एनी नॉन जीरो नंबर देयर इज नथिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सुटेबल नंबर। आपको एक सुटेबल नंबर से कर रहा है, नंबर आपकी चॉइस है, आप कैसे ढूंढ पाते हो, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको ढूंढना,
ठीक है, आसान है, आसान है, बस बाय सुटेबल नंबर टू चेंज द, किस लिए सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर, टू चेंज द डिनोमिनेटर इनटू द एलसीएम, कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपको एक ऐसा नंबर लेना है, नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन, जितने फ्रैक्शन है सब में ऐसे मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर बाय सुटेबल नंबर टू चेंज द डिनोमिनेटर इनटू द एलसीएम, जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि जो आपने एलसीएम फाइंड किया ना स्टेप वन में उसके इक्वल डिनोमिनेटर बन जाए, बस हो गया चेंज, दो स्टेप फॉलो करना है भाई। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बेटरमेंट के लिए, चलो फिर से मैं बताता हूं क्या करना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम व्हाट यू विल डू, एलसीएम लिया, अब एक ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कि जो डिनोमिनेटर आपका है ऑलरेडी वो आपके एलसीएम के इक्वल हो जाए, समझ रहे हो, बहुत आसान है, सिर्फ दो स्टेप फॉलो करना है और उसके बाद सीधे आपके अनलाइक चेंज हो जाएंगे लाइक में, मीन्स रेडीमेड चेंजिंग होगी बिल्कुल, ठीक है, कम समय में अच्छी चीजें होंगी। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, एक्चुअली क्वेश्चन जो होता है ना वो एक बस तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाने का, जब तक आपको नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन रूम में आप बैठेंगे, एग्जाम आप देंगे, रिजल्ट आपके नाम से आएगा और यस प्राउडली स्टेटस भी जो लगेगा ना व्हाट्सएप पे वो आप लगाएंगे, आपके जो करीबी लोग हैं वो लगाएंगे, कब, जब आप अच्छा करेंगे तब, ठीक है बेटा। तो देखिए, हाँ यही मैं कह रहा था, सबका काम अपना अपना है, देखो क्लीन हो गया, अभी देखिए क्वेश्चन, चेंज 1/2 एंड 1/3 इनटू लाइक फ्रैक्शन, क्या है लाइक है, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर लाइक होता तो लाइक में चेंज करने की बात ही क्यों होती, लाइक एंड अनलाइक बेस्ड ऑन ओनली डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम देन यू कैन से द फ्रैक्शन इज लाइक, डिफरेंट इट इज अनलाइक, ठीक है। अभी बहुत सारी बातें डिस्कस हो गई, ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहते वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 and 3, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3, यस आई नो आप सबको पता है, 2 1 2 3 कोई बात नहीं, 1 1, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 3, सो व्हाट इज एलसीएम, 6, स्टेप वन हैज बीन फॉलोड, हो गया फॉलो, कम टू द स्टेप नंबर 2, नाउ यूज अ सुटेबल नंबर फॉर मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर टू अटेन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर एज द एलसीएम। अब आपको करना क्या है, आपको एक ऐसे सुटेबल नंबर का सिलेक्शन करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन करके यू कैन चेंज द गिवन फ्रैक्शन इन टू द रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर एज एलसीएम, आपका जो डिनोमिनेटर पहले का है वो चेंज होकर किस में आ जाए, एलसीएम में। और बाबू आपने एक क्वेश्चन सोचा ही होगा कि क्यों एलसीएम ले रहे हैं, एचसीएफ क्यों नहीं ले रहे, जीसीडी या हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं निकाला जा रहा, क्योंकि एलसीएम इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट करके एलसीएम लाना आसान है। एलसीएम जब भी फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, जब भी एलसीएम ले लेंगे ना तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो जितने नंबर का आपने एलसीएम लिया उस सबके टेबल में आएगा, और पता है सबसे पहले आएगा, पता है एलसीएम, एलसीएम के बाद भी बहुत सारे नंबर हैं जो दोनों के टेबल में मिलेंगे, बट एलसीएम इज द लोवेस्ट नंबर विच वन इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, तो इसलिए एलसीएम लिया जा रहा है। एचसीएफ लेने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, फैक्टर होता है। तो देखो अभी स्टेप 2 फॉलो करते हैं, अभी करना क्या है आपको, आप देखिए मैं प्रोसेस सिखा रहा हूं आपको, 1/2 1/3 दोनों को लिख लीजिए, दोनों को लिखिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए और फिर से यहां ऐसे लाइन ड्रॉ करिए जो एलसीएम है अपॉन में लिख दीजिए, क्योंकि आपको लाना क्या एलसीएम, बिल्कुल ध्यान से समझना पहले, देखो एक बात है, 9th में भी यूजफुल है और 10th में भी यूजफुल है, तो अभी ध्यान से देख लो, ठीक है। तो 1/2 1/3 लिखो, थोड़ा सा स्पेस दो, अब 6 यहां लिख दो, 6 कहां से आया, ये था एलसीएम, क्या था एलसीएम, स्टेप 2 फॉलो कर रहे हैं। अब देखो 1/2 को एक बार और लिख दो, 1/3 को एक बार और लिख दो, मल्टीप्लाई करना है
टू में मल्टीप्लाई करके सिक्स लाना है। बच्चों बहुत समझदार हो, टू में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि सिक्स आ जाएगा, टू में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि सिक्स आएगा, बहुत डिवाइड करके, यहां टू को सर्कल करो, देखो खुद ब खुद पता चल जाएगा। थ्री से मल्टीप्लाई करना है भाई, तो थ्री, तो जब डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमिरेटर में भी थ्री से ही करेंगे, और थ्री में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा, टू से, तो टू यहां आया। ए लाइन समझ में आया, अब बस मल्टीप्लाई, थ्री वन जा थ्री, टू वन जा टू, देख लो ये थ्री बाई सिक्स हो गया, टू बाई सिक्स, सो अब क्या हो गया, थ्री बाई सिक्स टू बाई सिक्स आर लाइक लाइक फ्रैक्शंस। अभी लाइक हो गया ठीक है, जब लाइक हो गया तो अभी लाइक कर दो ठीक है वीडियो को। अभी क्या समझ रहे हो, ये लाइक में चेंज हो गया, अनलाइक फ्रैक्शंस था अभी लाइक में चेंज हो गया। अभी एक और क्वेश्चन कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, इसके बाद अगर बेटा कहीं भी डाउट होता है, कहीं भी डाउट हो गया, एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि डाउट रहे ही नहीं कि आप पूछें, लेकिन अगर फिर भी डाउट होता है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन ठीक है। और हाँ, ये वीडियो उन सभी बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो आपके फ्रेंड हैं, सिबलिंग्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कि 6 to 10 में भी हैं, उन सब तक जरूर पहुँचाइए। हाँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं ठीक है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। नोट्स कंप्लीट करना एक, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि नहीं, नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। चेंज वन बाई, आई एम टेकिंग फोर एंड थ्री बाई सिक्स इंटू व्हाट, लाइक फ्रैक्शन। अभी लाइक नहीं है, लाइक में चेंज करना है ठीक है। क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 4 और 6 दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा बताओ मुझे, मैं कर देता हूँ 4 6 एलसीएम, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 का टेबल 1 1 एलसीएम क्या आ गया, इट इज़ 2 into 2 into 3 2 2 जा 4 3 जा 12 नेक्स्ट स्टेप करते वक्त आपको पहले नंबर लिख लेना है बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देना है आपको और डिनोमिनेटर में एलसीएम लिख देना है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिख दीजिए। देखिए बिल्कुल इजी मेथड बता रहे हैं, एलसीएम जाएगा यहाँ से, जो एलसीएम आपने फाइंड किया। अभी 4 लाना है देखो, तो 1/4 फिर से लिखो। अब बताओ 4 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आ जाएगा, 3 से, तो जब 3 से नीचे करें ऊपर भी करेंगे, और 1 3 जा क्या मिल जाएगा, 3। यहाँ फिर से लिख लेना इसको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 2 से, 6 2 जा 12 तो ऊपर भी 2 से करेंगे, 3 2 जा 6 ठीक है। तो अभी देखो लाइक सो नाउ, नॉट सो नाउ, 3/12 एंड 6/12 यू कैन सी बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर, आर लाइक फ्रैक्शंस, आर लाइक फ्रैक्शंस। बाबू हमको पता है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते तो और इजी हो जाता, 3 2 जा करके भी कर सकते हो ठीक है। हाँ, अगर आप वैसे करना चाहे तो कर सकते, कोई प्रेशर नहीं कि इसी मेथड से करिए। यस, सो नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास। आज हमने लाइक फ्रैक्शन डिस्कस किया, अनलाइक फ्रैक्शन डिस्कस किया, हाउ टू चेंज लाइक इन टू अनलाइक ए देखा ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।